घर की पोजीशन जरूर देख लेते हैं और रात को चोरी करने चले आते हैं। क्यों? देखो बाबू, चोरी करने आई अपन की मजबूरी थी। क्या मजबूरी थी तुम्हारी? अपन की माँ अस्पताल में है, ऑपरेशन के लिए 2000 रुपए चाहिए। अब सीधे रास्ते तो इतना रुपया मिलता नहीं, तो चोरी करने चली आई। अगर मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूं तो तुम्हारी माँ का ऑपरेशन कैसे होगा? ऑपरेशन तो होगा बाबू, चाहे उसके लिए मुझे किसी का खून क्यों ना करना पड़े। ओ, ये बात है। तो मैं पुलिस को बुलवा लेता हूँ। बुरी बात है लड़की, चोड़ियों की जगह चाकू अच्छा नहीं लगता। चोरी करने निकली और किसी को भड़कता हुआ नहीं देख सकती? अपनी जरूरत इंसानियत से ज्यादा तो नहीं होती, पर ये अचानक तुम्हें क्या हो गया था? कुछ नहीं, एक दर्द है जो कभी कभी उठाता है। मेरा दर्द तो पुराना हो गया है, लेकिन इस वक्त तुम्हारी मां का ऑपरेशन बहुत जरूरी है, वो मैं करवाऊंगा। ये लो पैसे। ये तस्वीर? ये मेरी बहन की है। तुम्हारी बहन? हाँ बाबू, एक ट्रक ड्राइवर ने उसे हमसे दूर कर दिया। इस सदमे ने मेरे बाबूजी की जान ले ली। मेरी बहन उसके बच्चे को जन्म देते समय भगवान को प्यारी हो गई। हम मां बेटी दर दर की ठोकरें खाते फिर रहे हैं, सिर्फ इस उम्मीद पर कि एक दिन उस जलील इंसान का गिरेबान मेरे हाथ में होगा और मैं उससे अपने खानदान की तबाही का बदला लूंगी। मैं उसकी बॉडी बॉडी चील कमों को खिला दूंगी। मां कसम, मैं उसकी खटिया खड़ी कर दूंगी। तुम्हारी मां कौन से अस्पताल में है? भगवान दास अस्पताल में। ये रुपये और जल्दी जाओ। भगवान, तुम जैसे देवता को हमेशा सुखी रखे, हमेशा सुखी। मुझे चंपा की मोहब्बत में मिली थी, तुम्हारी नजर में सिर्फ इंसान का दर्जा मिल जाए यही भाव था मैं। इंस्पेक्टर साहब, आपने मुझे याद फरमाया। शक्ति नाम के आदमी को जानते हो? जी हाँ, गोविंदा के त्यौहार पर पहली बार उसे मिला था। For your information, शक्ति मर चुका है और उसके मरते वक्त का बयान मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में लिया गया था और उसने बताया है कि तुम। इंस्पेक्टर साहब, आप यकीन जानिए, मैं उसे जानता तक नहीं।
यह किसी की साजिश है मुझे फंसाने के लिए। मैंने उसे छेनू पर हमला करने के लिए बिल्कुल नहीं कहा था। मैंने कब कहा कि तुमने कहा है? शक्ति को यह काम करने के लिए बनवारी ने कहा था। बनवारी? हाँ बनवारी, वही बनवारी जिसका असली नाम कीमती लाल है, वही कीमती लाल जिसका ट्रक तुम चलाया करते थे, जिसके पैसे लूट कर तुम भाग गए थे और तुम्हें 6 महीने की सजा हुई थी। तो वो कीमती लाल से बनवारी सेठ बन गया है। हर इंसान की भूख सोने चांदी के सिक्कों की मोहताज होती है, और मैं उन सिक्कों को अपना मोहताज बना दूंगा बनवारी सेठ, ताकि दुनिया देखे कि प्यार करने वाला जब अपना रूप बदलता है तो सारी दुनिया उसकी ठोकर पे होती। बनवारी कहाँ है? किसी दोस्त के यहाँ पार्टी में गया हुआ है। लड़की, मुझे झूठ बोलने वाले से उतनी ही नफरत है जितनी भगवान को शैतान से। बनवारी कहाँ है? बताती हूँ। बनवारी कहाँ है? छेनू के साथ माल लेके जा रहा है। बाबा वो आ गया बेटा। अरे बाबा, तेरा तो जन्म ही दूसरों को संभालने के लिए है रे। अरे बाबा, संभालते हो तुम हो इन सारे छेनुओं को। बाबा, तुम्हारा स्कूल तो बड़ा जोरदार चल निकला। हाँ तू देख ले छेनो, इन गरीबों के झोपड़ों के दिए इल्म की रोशनी से सारे देश को जगमगा देंगे। अरे सो तो होकर ही रहेगा बाबा। आप जैसे लोग ही तो हम जैसे जाहिलों को सीधे रास्ते पे लाते हैं। और हम बाबा, लच्छू कहाँ है? उसके घर गया तो देखा ताला लगा हुआ था। उसकी माँ को देखने में अस्पताल गया था, पता चला वो अपनी माँ को लेके कहीं और चली गई है। कहीं और चली गई? कहाँ? अभी छेनू होता तो कांधे पे उठाकर सारे मोहल्ले में घुमाता। आंटी तुम तो बिल्कुल मम्मी जैसे लगती हो। अच्छा, पहले तो मुझे मम्मी के कपड़े पहनाए और आप मम्मी लगने लगी। तुम्हें यकीन नहीं? आओ मैं तुम्हें मम्मी की तस्वीर दिखाता हूँ। चल। जानती हो क्यों? तुम्हारा प्यार जो तुम्हारे जाने के साथ साथ बंटी की जिंदगी से हमेशा के लिए चला गया था, आज तुम्हारे खून के जरिए उसे फिर से मिल गया है। मैं गिर जाऊंगी। मम्मी की फोटो देखोगी ना तो हैरान हो जाओगी। हाँ। पापा पापा, आंटी बिल्कुल मम्मी जैसे लगती है। मम्मी की फोटो दीजिए ना, मैं आंटी को दिखाऊंगा। ओ बेटे, वो फोटो जो है ना, वो हम दफ्तर में रखा है। हम इन्हें बताएंगे ये मम्मी से कितनी मिलती है। अच्छा बाबा, मान गए मैं तुम्हारी मम्मी जैसी। मैं मम्मी का करूं? आंटी। पापा, हमें मम्मी कहना अच्छा लगता है। बुरी बात है बेटे, जिस बात के लिए पापा मना करे ना उसे फौरन मान लेना चाहिए। पापा, मम्मी कहना बुरा है? ओफो, अच्छे बेटे हर बात का जवाब नहीं मांगा करते। जाने भी दीजिए ना बाबूजी, बच्चा जिस बात का मतलब ना जानता हो उसको रोक कर उसके दिल को दुखा कर क्या फायदा। बेटे, तुम मुझे किसी भी नाम से पुकार सकते हो, आज तुम्हारा जन्मदिन है ना। हेलो बॉस। हाँ, डिलीवरी जानी है, आप कब तक पहुँचेंगे? आधे घंटे तक पहुँच जाऊंगा। पापा, आज आप कहीं नहीं जाएंगे। होल्ड ऑन बेटे, पापा को काम है। नो काम, आज हमारा जन्मदिन है। अच्छी बात है, सुनो आज तुम ही चले जाओ। मेरे रास्ते से हट जाओ विकी, वरना मैं नहीं चाहता कि लच्छो सुहाग का जोड़ा पहनने से पहले ही विधवा हो जाए। उसी के सुहाग की हिफाजत के लिए मैं आया हूं छेनो। आए हो तो वापस लौट कर नहीं जाओगे।
सुनो चिनू, मोहब्बत की जिस चोट ने मुझे बर्बाद किया है उससे मैं तुझे बर्बाद नहीं होने दूंगा। लक्ष्मी तेरी है और तेरी ही रहेगी। इसके माने कि मैंने जो कुछ समझा वो गलत था। भैया की बात, गलत और सही का फैसला तो होता ही रहेगा। पहले मेरा माल तो जाने दो। ये माल अब नहीं जाएगा। अब बोलो हीरालाल, जाएगा कि नहीं जाएगा? बच्चे को, वरना तू कीमती लाल से बनवारी लाल बन गया। यहाँ की बाजी तो शतरंज की बाजी से भी ज्यादा पलटे खा रही है। इस बाजी की दास्तान तेरे खून से लिखी जाएगी। रियले हीरालाल, विनोद के इस बच्चे और इस खूबसूरत जवानी को इधर लेकर आओ। चल चल बनवारी। बनवारी पुलिस आ गई। पुलिस? हाँ। तो ठीक है, तुम पेट्रोल का डब्बा निकालो या छोड़ दो। ठीक है ठीक है, चल चल। विनोद, याद है मेरी लगाई हुई आग को तुम बुझा देना चाहते थे, लेकिन अपनी लगाई हुई आग को मैं आज और भड़का देता हूं। मेरे दोस्त, छोड़ दे इसे। आ।
है, इसे जल्दी से डॉक्टर के पास ले चलो। हाँ अभी नहीं, नहीं साबर मियां, नहीं। ये तुमने क्या किया दोस्त? मुझे बचाने के लिए तुम अपनी जान पे खेल गए? नहीं, मैंने तुम्हें कहा था ना छेनो, मैं अपने जीते जी लक्ष्मी के सुहाग को कभी नहीं मिटने दूंगा। मेरी जिंदगी का मकसद पूरा हो गया। अब मुझे पूरा यकीन है कि तुम दोनों मेरे बच्चे को सब कुछ दोगे जिसके मैंने सपने देखे थे। हाँ, क्यों? क्यों? मेरा विश्वास रखो दोस्त, मेरा विश्वास रखो। अरे